हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे पीजीडी का। तो चैप्टर का नाम है गैस डायनेमिक। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। तो हम गैस डायनेमिक पढ़ रहे हैं। यूनिट का नाम है गैस डायनेमिक, मीन्स ऑल आर डिपेंडेंट ऑन कंप्रेसिबल फ्लूइड। ओके, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड, एक्चुअली चैप्टर का नाम हम गैस डायनेमिक भी इस चैप्टर का नाम बोल सकते हैं, इस चैप्टर का नाम हम कंप्रेसिबल फ्लूइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एजप्शन हमने 4-5 एजप्शन जो देखा था वो सब हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड की ओर इशारा करता है, और गैस जो है वो भी हमें पता है वो कंप्रेसिबल है। तो स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज में हमारा आता है स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन एंथैल्पी, स्टैग्नेशन प्रेशर, एंड द लास्ट वन इज स्टैग्नेशन एंथैल्पी। हो गया ना, बस इतना ही कुछ है हमारा। ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारा डिपेंड करता है गैस के डायनेमिक्स पे। ओके, नाउ इन फ्लूइड डायनेमिक्स अ स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ पॉइंट इन अ फ्लो फील्ड वेयर द लोकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज ज़ीरो। ओके, पहले पढ़ लेना थ्योरी, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टैग्नेशन पॉइंट एग्जिस्ट एट द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्लो फील्ड वेयर द फ्लूइड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाई द ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा कोई ट्यूब है, ठीक है, ऐसा कोई ट्यूब है, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी वी, प्रेशर पी, डेंसिटी रो, ठीक है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी जो यहाँ पे आने के बाद, ये डक्ट एक टाइप का डक्ट है, यहाँ पे आपका फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड मूव कर रहा है, यहाँ पे फ्लूइड आपका मूव कर रहा है, फिर इस डक्ट के अंडर आके फ्लूइड की वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, और प्रेशर क्या हो जाता है, कुछ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही बता रहा है, एट दैट पॉइंट आर द स्टैग्नेशन पॉइंट। ओके, तो सेम इन फ्लूइड डायनेमिक्स अ स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ पॉइंट इन अ फ्लो फील्ड वेयर द लोकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज ज़ीरो। लोकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ज़ीरो, एट दिस पॉइंट लोकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ज़ीरो, बिकॉज फ्लूइड आपका रेस्ट में आ गया, ठीक है। एंड द स्टैग्नेशन पॉइंट एग्जिस्ट एट द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्लो फील्ड वेयर द फ्लूइड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाई द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जब का फ्लूइड रेस्ट में हो, डैट पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज ज़ीरो इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ सिंगल जेट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज व्हेन रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एनर्जी टर्म फॉर इंटरनल एनर्जी फ्लो वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब इसके लिए हम स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन एंथैल्पी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर वगैरह हम फाइंड करेंगे एट स्टैग्नेशन पॉइंट पे फ्लूइड के। ओके, ना उसके लिए एक हम सिंगल जेट, फॉर एग्जांपल ये जो हम यहाँ पे सिंगल जेट हम कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स ये वाटर का जो जेट है एक निकल रहा है, उसके पे हम अब लेके हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ना लेट अस कंसीडर अ स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ परफेक्टली इंसुलेटेड डक्ट इन विच द गैस फ्लोज विथ नो शाफ्ट वर्क। ओके, हम जैसे कि मेरा हमारा ये है, यहाँ से गैस हमारा पास हो रहा है इन डक्ट विदाउट एनी शाफ्ट वर्क। ओके, यहाँ पे हमारा गैस आके इकट्ठा हो जा रहा है इस डक्ट में। ओके, नाउ इट इज एस्यूम्ड दैट द फ्लो इन इज फ्रिक्शनलेस सो दैट द रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंडीशन आर ऑब्टेन। तो स्टार्टिंग में ही जब एजप्शन हुआ था तो मैंने आपको बताया था, इस पूरे चैप्टर में एजप्शन लेके चलना है कि स्टडी स्टेट होना चाहिए, फ्लूइड आपका रेस्ट में होना चाहिए, वन डायमेंशनल होना चाहिए, फ्रिक्शन आपका नेग्लिजिबल होना चाहिए। ओके, नाउ द अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बिटवीन एनी टू स्टेट फ्रॉम पॉइंट वन एंड हियर फ्रॉम पॉइंट टू, यहाँ पे आपका वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी आके जीरो हो जा रहा है इन द डक्ट। ओके, देयरफॉर आपको पता होगा एनर्जी इक्वेशन क्या है, क्यू हीट प्लस मास ऑफ फ्लूइड अपॉन एंथैल्पी, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी, सी वन स्क्वायर अपॉन टू काइनेटिक एनर्जी, एंड जी जेड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारा एनर्जी इक्वेशन आपको हमेशा पता होगा, 3 चीज से मिलके हमारा एनर्जी इक्वेशन बनता है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी एंड द एंथैल्पी, ये 3 से मिलके हमारा एनर्जी इक्वेशन बनता है। तो आपको जब भी एनर्जी इक्वेशन आएगा तो आंख बंद करके आप H1 C1 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड GZ1 इज द पोटेंशियल एनर्जी, H1 इज एंथैल्पी, और आपको पता है हीट देंगे तब तो वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे हीट हम ऐड कर रहे हैं विथ मास, कितना मास आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी इक्वेशन फ्रॉम बोथ एंड एट पॉइंट वन एट पॉइंट
टू. ओके देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू जीरो, सिस्टम इज इंसुलेटेड. हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हमारा क्या है, सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड. क्योंकि हमने सिस्टम स्टार्टिंग में थ्योरी में बोला कि हम इंसुलेटेड. लेट अस कंसीडर अ स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ परफेक्टली इंसुलेटेड डक्ट. तो इंसुलेटेड है, देयरफॉर हीट नो ट्रांसफर, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू जीरो. एंड शाफ्ट वर्क, जब क्यू आपका जीरो हो रहा है तो वर्क कैसे मिलेगा, देयरफॉर वर्क डन भी जीरो. और जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, मीन्स डेटम से जो हाइट है दोनों का इक्वल है एट पॉइंट वन और एट पॉइंट टू. फॉर एग्जाम्पल ये डेटम है, इससे जो पॉइंट वन की जो हाइट है जेड वन इज इक्वल टू डेटम से पॉइंट जेड टू. ओके सेम. देयरफॉर द अबव इक्वेशन रिड्यूस टू क्यू जीरो हो गया, डब्ल्यू जीरो हो गया, जेड वन जेड टू आपका इक्वल है तो जीरो हो गया. तो बचा क्या, एच वन अपॉन सी वन स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर अपॉन टू बचा. नाउ अब ये एच जो है, अब हमारा ये मिल गया, हमें यहाँ पे मिलता है स्टैग्नेशन एंथैल्पी. ओके तो द समेशन ऑफ एंथैल्पी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन अ कॉन्स्टेंट अंडर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ सॉफ्ट वर्क एंड हीट ट्रांसफर. जब आपको कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, नो वर्क डन होगा, तब आपका समेशन ऑफ एंथैल्पी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, therefore this defined as stagnation or total head enthalpy. Okay, where h naught is equal to h plus c square upon 2 are the h naught, where h naught represent stagnation enthalpy and the h represent the static enthalpy. Okay, now again from equation 2, from this equation 2, okay, h is equal to cp into t. याद आया ये इक्वेशन आप स्टार्टिंग में देखे होंगे, एंथैल्पी. आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो पता होगा आपको. ठीक है, एंथैल्पी इज इक्वल टू स्पेसिफिक इनटू टेम्परेचर. ओके देयरफॉर सी पी इंटू टी नॉट इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन एच इज इक्वल टू सी पी इंटू टी होता है तो एच नॉट क्या हो जाएगा, सी पी इंटू टी नॉट. और एच क्या हो जाएगा, सी पी इंटू टी और सी स्क्वायर अपॉन टू फ्रॉम इक्वेशन टू से. देयरफॉर सी पी से सी पी कैंसिल, t naught is equal to t plus c square upon 2cp, where t naught represent the stagnation temperature or total head temperature, t represent static temperature and c square upon 2cp represent the dynamic temperature, where c is the original velocity of gas or the fluid. Okay, or cp is the specific heat at constant pressure. Okay, now अब हम क्या क्या अभी देख लिए, अभी तक हमने देखा कि स्टैग्नेशन एंथैल्पी क्या होता है. क्या होता है स्टैग्नेशन एंथैल्पी, द समेशन ऑफ एंथैल्पी एंड काइनेटिक रिमेन एट कांस्टेंट अंडर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशन. ओके इन द एब्सेंस ऑफ सॉफ्ट वर्क एंड हीट ट्रांसफर. ओके दिस आर नोन एज स्टैग्नेशन एंथैल्पी एंड स्टैग्नेशन टेम्परेचर. इसी फॉर्मूला से हमारा वी नो डैट एंथैल्पी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक heat at constant pressure in and temperature is known as enthalpy. Therefore, from this equation, we can conclude that T naught is equal to T plus C square upon 2Cp, where this equation represent the stagnation temperature. Now, अब हम इस बात करने वाले हैं stagnation pressure का. क्या है भैया stagnation pressure हमारा, देखते हैं. It is defined as a pressure which would be obtained if a flowing gas in a duct is brought to rest reversibly and adiabatically. Therefore, we know that P naught upon P is equal to T naught upon T power gamma gamma minus 1. तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा एडियाबैटिकली, जब हम एडियाबैटिक कंडीशन का जब फॉर्मूला बनाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर के फ्रॉम पॉइंट वन और फ्रॉम पॉइंट टू, पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन एट एडियाबेटिक कंडीशन करते हैं. तो आपको याद होगा स्टडी एनर्जी इक्वेशन में हम देखे थे पी नॉट अपॉन पी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी पावर गामा गामा माइनस वन. ओके ये हमारा मिल गया स्टैग्नेशन, वेयर पी नॉट इज द स्टैग्नेशन प्रेशर एंड द पी इज द स्टडी प्रेशर. ओके तो ये था हमारा स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज, कौन कौन सा, एंथैल्पी, स्टैग्नेशन एंथैल्पी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर एंड द स्टैग्नेशन प्रेशर. तो ये तीन चीज लेकर हम सॉल्व करेंगे. ओके ना अब रिलेशन क्या है, हम तो अलग अलग देख लिए कि एंथैल्पी का ये रिलेशन हो गया स्टैग्नेशन एंथैल्पी का, टेम्परेचर का ये और प्रेशर का ये फॉर्मूला हमें तीन मिल गया. ठीक है तो ये तीन फॉर्मूला आपको माइंड में लेकर रखना है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये. ठीक है ना अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टैग्नेशन टेम्परेचर
प्रेशर एंड एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर. इन टर्म्स ऑफ मैक नंबर स्टैग्नेशन टेम्परेचर प्रेशर और एंथैल्पी का क्या रिलेशन होगा. ठीक है. नाउ सिंस एच नॉट इज इक्वल टू एच प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू, पता है जस्ट अभी देखे थे. एंड सी पी इन टर्म्स ऑफ स्टैग्नेशन टेम्परेचर सी पी टी नॉट इज इक्वल टू सी पी टी प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू, ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट हमने देखा. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ऑल्सो सी पी, सी पी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू गामा, गामा माइनस वन इज इन टू आर. ओके. यूजिंग सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, वी नो डैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, दे आर फॉर माइनस सी वी, और सी वी क्या होता है, सी वी इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस वन, तो ये ट्रांसफर हुआ तो लाइक डैट. ओके. एंड द मैक नंबर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मैक नंबर इज सी अपॉन ए, सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ए क्या है, सोनिक वेलोसिटी, सोनिक वेलोसिटी विच इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी. ठीक है. वेयर ए इज द सोनिक वेलोसिटी. ठीक है. ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू एंड दिस आर इक्वेशन नंबर थ्री. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी पी एंड एम, दिस वैल्यू सी पी एंड एम इन इक्वेशन नंबर वन, सी पी की जगह पे सी पी का वैल्यू और अपना ये सी को एक तरफ करना, तो एम इंटू ये हो जाएगा, सी की जगह पे ये वैल्यू पुट करना है. ठीक है. तो हमने पुट किया तो सी पी की जगह पे गामा, गामा माइनस वन आर टी नॉट इज इक्वल टू सी पी की जगह पे गामा, गामा माइनस वन आर, और ये टी पहले से था, प्लस सी की जगह पे सी को यहाँ रहने दिए, इसको उधर ट्रांसफर कर लिया, और यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, रूट ऑफ गामा आर टी था तो रूट हट जाएगा, गामा इंटू आर टी अपॉन टू. ओके. देयरफॉर ये पार्ट कटा, कैंसिल हुआ, तो टी नॉट अपॉन टी इज इक्वल टू वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन टू एम स्क्वायर. ये फॉर्मूला एक याद रखना. ठीक है. तो ये जो फॉर्मूला हमारा बन के आया है, तो ये टेम्परेचर का, ठीक है, स्टैग्नेशन टेम्परेचर का रिलेशन किससे बता रहा है, मैक नंबर से. ओके. क्लियर. नाउ ऑल्सो वी नो डैट पी नॉट अपॉन पी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी एट टर्म्स इन स्टैग्नेशन प्रेशर, दिस फॉर्मूला अभी हम जस्ट पीछे देख रहे थे. सो फ्रॉम इक्वेशन फोर, टी नॉट अपॉन टी की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, फॉर रिलेशनशिप बिटवीन स्टैग्नेशन प्रेशर एंड द मैक नंबर. स्टैग्नेशन प्रेशर एंड मैक नंबर का रिलेशन हो गया, यहाँ स्टैग्नेशन टेम्परेचर एंड मैक नंबर का रिलेशन हो गया, तो फॉर्मूला याद रहेगा. नाउ सिंस एच नॉट अपॉन एच, एच नॉट क्या होता है सी पी इंटू टी नॉट, और एच क्या होता है सी पी इंटू टी. ओके. देयरफॉर सी पी सी पी कैंसिल, टी नॉट अपॉन टी, टी नॉट अपॉन टी अभी हमने जस्ट निकाला था, टी नॉट अपॉन टी था हमारा 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 एम स्क्वायर, वेयर गामा, गामा इज इक्वल टू 1.4 गैस कांस्टेंट. ओके. देयरफॉर एच नॉट इज इक्वल टू एच 1 प्लस गामा माइनस 1 2 एम स्क्वायर, तो हमारा स्टैग्नेशन एंथैल्पी का भी रिलेशन हो गया मैक नंबर से. ओके. ऑल्सो इन अ फ्लो सिचुएशन द कंडीशन एट एनी टू स्टेट मे बी रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 4. फ्रॉम इन एनी फ्लो सिचुएशन, मीन्स आपका फ्लूड फ्लो हो रहा हो, उस कंडीशन में अगर आप पॉइंट वन और पॉइंट टू कंसिडर लेके कर रहे हो, तो हम इक्वेशन फोर के हेल्प से स्टैग्नेशन टेम्परेचर का रिलेशन बताते हैं विद मैक नंबर. ओके. देयरफॉर एट पॉइंट, ये हुआ फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है, ये डक्ट में आके यहाँ रेस्ट हो जा रहा है, तो पॉइंट वन और ये पॉइंट टू, तो पॉइंट वन और पॉइंट टू को यहाँ फ्लो हो रहा है फ्लूड, तो इससे रिलेशन बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फोर का यूज़ करेंगे, दैट इज टी नॉट अपॉन टी था, तो टी एट पॉइंट वन पे टी वन, वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन टू एम वन स्क्वायर, ठीक है, और सेम टू के लिए एम टू स्क्वायर. ओके. तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वन प्लस गामा माइनस वन अपॉन टू एम वन का स्क्वायर अपॉन वन प्लस गामा माइनस वन बाई टू एम टू का स्क्वायर. तो ये हुआ रिलेशन फ्रॉम पॉइंट वन एंड पॉइंट टू ऑफ दिस. तो यहाँ भी आपको टेम्परेचर का रिलेशन मैक नंबर से मिल गया. तो ये था हमारा स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैक नंबर्स. ओके. अब अगले लेक्चर में हम तीन चार न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे लगाएंगे और इस टॉपिक को कवर करके आगे बढ़ेंगे. ओके. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.